इंटरवॉइस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अब भारत के छात्रों को विदेश में डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रोग्राम की मदद से भारत में 12वीं पास छात्र अमेरिका में MBBS की शिक्षा ले सकते हैं। इस विषय पर आज रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ने पत्र परिषद का आयोजन किया था। इंटरवाइट्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के CEO कामेंद्र डाहट ने बताया कि भारत में डॉक्टर के कुछ ही सीटें हैं, जिस वजह से बहुत से छात्र अपनी MBBS की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इन छात्रों को यह शिक्षा संस्था 5 साल के लिए मात्र 85 लाख में MBBS की शिक्षा दे रहा है। सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जो है 2001 से MBBS की शिक्षा, मेडिसिन की शिक्षा लोगों को प्रोवाइड कर रही है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स अभी तक है। हमारे पास जो प्रोग्राम है वो US करिकुलम प्रोग्राम है। जो कॉस्ट होती है US प्रोग्राम की, इट इज़ नॉट अफोर्डेबल, सब बच्चों को अफोर्डेबल नहीं होती है, मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्डेबल नहीं होती है। करीब करीब ये कॉस्ट 3.5 करोड़ तक जाती है। इसके लिए सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी ने ये प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया है, जिसमें 3 साल बच्चा कुरासाओ में जाके पढ़ता है और कुरासाओ से USMLE करके हमारा जो कॉन्टैक्ट जनरल हॉस्पिटल है US में, वहाँ पे जाके क्लिनिकल रोटेशंस करता है और 5 साल में USMLE Step 1 Step 2 करके मास्टर्स में जब एडमिशन लेता है तो मास्टर्स उसको बिल्कुल फ्री मिलता है और इसमें उसको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो कम से कम $50,000 का स्टाइपेंड एवरी ईयर मिलता है, $1.5 लाख स्टूडेंट को ऐसे ही वापस मिलते हैं। तो प्रोग्राम की कास्ट 0 हो जाती है, उसका लिविंग कॉस्ट भी निकल जाता है और ये बच्चा जब फिजिशियन बनता है उसको लाइसेंस मिलता है US का एज अ डॉक्टर, USMLE करने के बाद और रोटेशंस करने के बाद ही कैन प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड, दुनिया में कहीं पे भी जाके वो कोई भी एग्जाम न लिखते हुए प्रैक्टिस कर सकता है। और जो रोटरी क्लब ने जब ये सब चीज समझ ली है, हमारे बच्चों से बात की, फैकल्टी से बात की, तभी उन्होंने बोला कि ये तो एक सोशल कॉज के लिए प्रोग्राम है, इसमें बच्चों के पैसे भी बच रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है डॉक्टर बनने की वर्ल्ड वाइड, तो इसके लिए उन्होंने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।